लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नसीर साहब, क्या बात है रमेश? ठीक है, जाओ। अच्छा था। इस नोटिस के जरिए तुम्हें जानकारी दी जाती है कि आज से डेली मिरर को तुम्हारी जरूरत नहीं, इसलिए तुम्हें तुम्हारी बकाया तनख्वाह और नोटिस की तनख्वाह भी साथ भेजी जा रही है। सर, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला, इतना जरूर पूछूंगा कि इस तरह क्यों निकाला। वो पर्चा जिसके आप मालिक हैं, वो मेरा भी तो कुछ लगता है। मैंने भी रातों की नींद खोई, झगड़े मोल लिए, बुरा बना हूं, सिर्फ डेली मिरर की खातिर ना। वो अखबार अब मेरा नहीं रहा। क्या मतलब? डेली मिरर बेच दिया मैंने। बेच दिया? क्यों मिस्टर सिन्हा, क्यों बेच दिया आपने उसे? जानना चाहते हो? और मेरे साथ। इनके लिए अखबार बेचकर मैंने इन दोनों की जान खरीदी है। जो लड़ाई मिलकर लड़ रहे थे, ये उसी का नतीजा है। मुझे माफ करना अकबर, मैं तुम्हारा साथ न दे सका। अखबार तो बिक सकता था, लेकिन परिवार नहीं बिकता। परिवार कौन है सर? अकबर, ये सौदा वक्त महंगा है, इसमें हाथ मत डालना। खरीदार कौन है सर? डेडी। अकबर के सर पे मौत का भूत सवार हो गया है।
यानी के बदले की आग ने उसे पागल बना दिया है। उसे तो अपने भी जान की परवाह नहीं। लगता है कि जेल से छूटते हुए मुझे जान से मार देगा, यानी कि हम सबको खत्म कर देगा। कुछ नहीं होगा, इधर आओ। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, उसे कोई पागल आदमी खत्म नहीं कर सकता। तुम बेफिक्र रहो, मैं अकबर को संभाल लूंगी। भैया, न जाने अकबर भाईजान को क्या हो गया है। मैं बहुत अकेला हो गया, बहुत अकेला। राजा, दीदी, अकबर भाईजान जेल में है। घबराओ नहीं, मैं उसे जमानत पे छुड़ा लूंगी। देखो राजा, खून खराबे और मारपीट में रखा ही क्या है। जब कोई इंसान जोश में आकर किसी की जान लेने के लिए निकलता है, तो उसकी अपनी जान भी जोखिम में पड़ जाती है। मैं अकबर को समझा लूंगी, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं। इस मेहरबानी का शुक्रिया। गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। जी। जो उनकी जिंदगी में क्या रखा है, छोड़ दो इसे। राजा की तरफ देखो, उसे तुम्हारी कितनी जरूरत है। राजा की तरफ और भी कई लोग हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। नहीं माया देवी, बीरबल की मौत का बदला लिए बगैर मैं जी नहीं सकता। माया देवी, जेडी तो मरेगा। अकबर, मेरे पास धन दौलत ज्यादा सब कुछ है, क्योंकि तुम मेरा सब कुछ संभाल लेते। मेरा अपने आप मेरे काबू में नहीं है माया देवी, मैं और किसी को क्या संभालूंगा। जब तक जेडी के खून से अपने हाथ नहीं रखता, मैं और कुछ नहीं कर सकता। माया देवी, खुदा को मानते हो? हर मौत खुदा की मर्जी से होती है। इंसान सिर्फ एक बहाना होता है, और जेडी बीरबल की मौत का बहाना बन गया। मैं जेडी को मारना नहीं चाहता माया देवी, ये भी खुदा की मर्जी है। मैं तो सिर्फ एक बहाना हूं। हाँ हाँ, मुझे बुजदिल कह लो, डरपोक कह लो, मगर अपनी इज्जत छोड़ दो। प्लीज अपनी इज्जत छोड़ दो। जिसकी मौत का बदला लेना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है तुमने, क्या वो मेरा कोई नहीं था? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं? भगवान न करे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा? ठीक है, तुमको जो करना है करो, जाओ। नो बदला अपने दोस्त की मौत का। मैं मरूं या जीऊं तुम्हें से क्या? कौन लगता हूं मैं तुम्हारा? हां, क्यों फिक्र होने लगी तुम्हें मेरी? मगर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगा, मैं भी नहीं जीऊंगा। हां, thank you.
हाँ फर्ज तो बनता है, लेकिन फर्ज निभाते निभाते ऊपर वाले को प्यार हो गए तो। भाईजान भाईजान, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा भी कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं। तू जैसा बोलेगा मैं वैसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा छोटे। आप? जी आपका नया नौकर हाजिर है। मुझे नौकर लफ्ज पसंद नहीं, मददगार कहिए। ठीक है मददगार कह लीजिए, क्या काम करना होगा मुझे? हर मामले में मेरी मदद, मेरा कारोबार संभालना होगा, जैसे कि जमीन प्रॉपर्टी और ये घर भी। इस घर में मैं क्या काम कर सकता हूँ? संभालना होगा इस घर को और इस घर के रहने वालों को भी। माया अब अकबर को अपने प्यार में फंसा के चली जाओ, यानी कि वो तुम्हारे प्यार में इतना खो जाए कि उसे मारते वक्त हमें कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। आपने खुद क्यों तकलीफ की? किसी नौकर को बोल दिया होता वो नौकर आज जल्दी चला गया। तो वो रिंकू को बोल देना था, बोले आती। रिंकू आज रात नहीं आएगी, वो अपनी किसी सहेली की शादी पर गई। मतलब सिर्फ मैं और आप? नहीं घर भी तो है, मैं तुम और घर। डर लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, डर किस बात का? मैं ये सोच रहा था कि इससे पहले कि वो कॉफी ठंडी हो जाए इसको पी, कॉफी को। जाने से पहले मुझसे मिलकर जाइएगा। ये